नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। मुंसानगर के सहाबापुर जिंदापुर गांव में एक गरीब किसान अपने धान की खेती देखने के लिए खेतों पर जा रहा था। अचानक वो अपने खेत की मेड़ पर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा संघवार की रिपोर्ट, मुंसानगर। मेरा नाम अजय कुमार है। सर, अच्छा क्या घटना हो गई आपके पिता के साथ में? सर, पिताजी हमारे खेत में जा रहे थे धान लगाने। उम्र उनकी थी 55 साल थी उम्र, और रास्ते में ही अचानक पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो रास्ते में ही गिर गए। अब गिरने के बाद हम लोगों को पता चला तो हम गए तो उठाया, तो अचानक पता नहीं क्या, हम इलाज कराने ले गए, वहाँ भी नहीं सही हुए, रास्ते में उनकी दुर्घटना मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं आपको क्या महसूस हो रहा है? हम महसूस क्या बताएं सर, हम क्या महसूस कराएं, क्या अनुरूपति, मतलब खेतों में किस काम के लिए जा रहे थे? वो धान लगाने के लिए बैल बोने जा रहे थे। खेतों में काम करने जा रहे थे, इसी दरमियान उनको जी ये घटना हुई। जी जी यस। क्या उम्र थी उनकी? 55 साल थी। परिवार के मुखिया थे वो? जी। परिवार उन्हीं से चलता था? जी सर। कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में हैं सर 5 सदस्य। सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी? उन्हीं के ऊपर थी सर। वही मैं आपको एक घटना के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारे राम बाबू संघवार जी के घर है, जिनकी उम्र लमसम 54-55 वर्ष है। आज सुबह ये खेतों में धानी का चूंकि समय आ रहा है धान लगाने के लिए, बैल लगाने के लिए अपने खेतों में जुताई के लिए जा रहे थे। खेत जाने के पहले ही रास्ते में ये अचानक गिर गए, जिसकी सूचना मृतक राम बाबू के बेटे को लगी, इनके फैमिली को लगी। ये तत्काल वहाँ से उठाकर इनको अस्पताल ले जाने के तैयारी बनाई। रास्ते में पहुँचते समय इनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है ज़मीन को लेकर, इतनी बड़ी फैमिली को लेकर ये टेंशन में रहते थे, क्योंकि ज़मीन इनके पास थी नहीं। बताया जाता है कि समतम एक या दो बिस्मा थी, उसी में ये परिवार को साल भर खाने की व्यवस्था करते थे, और धानी लगाने के लिए बेल लगाने को लेकर के ये जुताई के लिए अपने खेतों में जा रहे थे। आप ये देख रहे हैं पीड़ित परिवार राम बाबू का परिवार है, इनकी पत्नी है, बेटी है, ये उनकी बहू है, और ये उनके बड़े बेटे हैं। ये गरीब पीड़ित परिवार की दास्तान है, और घर के मुखिया थे ये, जिम्मेदार थे, उम्र 54-55 वर्ष थी। ये इनकी घटना है। गरीब परिवार जो कि छप्पर के नीचे जीवन यापन कर रहा था, जो इस छप्पर के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा था।